कुकिंग इज एक्सपीरियंसिंग। सिंपल दो इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे चॉकलेट। इसके लिए मैंने दो लिए हैं, डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड। परचेज़ किए मैंने दोनों। ये पानी लिया है एक छोटे से पतीले के अंदर, और ये डोंगा जिसमें बनाऊंगी मैं जो चॉकलेट है इसको क्रश करके इसमें डाल दूंगी, इसके ऊपर रखूंगी मैं। बहुत ही सिंपल मेथड, बहुत सिंपल। ये जो चॉकलेट है इसको मैं, ये पानी है इसको मैं गैस ऑन करके पानी को गैस पे रख दूँगी, और ये चॉकलेट इसके अंदर से कंपाउंड निकले हैं इसको मैं तोड़कर इस डोंगे में डाल दूँगी। बहुत सिंपल मेथड है। आपने बहुत सारे दूसरे मेथड देखे होंगे जिसमें कढ़ाई में पानी लो, ढको, ऊपर करो, तो ये बहुत सिंपल है। ये गैस है, इस पर मैं सिंपल गैस ऑन करूँगी। छोटा सा चाय का पतीला रख लिया मैंने पानी का, और जो डोंगा इसके अंदर फिट आता है उसको मैंने इस पानी के पतीले में के ऊपर रख दूंगी। जैसे मैंने इसको रखा, और इसके ऊपर बिल्कुल मैं कि डोंगा जो है ये इस पर फिट आता है मतलब, और इसको मैं कवर कर दूंगी इस पर रख के। गैस को मीडियम रखेंगे या लो रखेंगे, गर्म होने के बाद लो रखेंगे ताकि जो कंपाउंड है वो जले ना। और साइड बाय साइड में ड्राई फ्रूट्स भी लूँगी, अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट कोई भी ले सकते हैं हम। मेरे पास सिर्फ बादाम अखरोट थे, मैंने वही लिए हैं। काजू होते हैं तो मैं काजू भी ऐड कर देती हूँ। इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम। तो इसको मैं बीच में उलटती पलटती रहूँगी ताकि ये नीचे लगे ना, और बीच में पलट के इसको मैं फिर से कवर कर दूँगी। अभी थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है ये, और इधर से मैं ड्राई फ्रूट को हल्की सी फ्लेम पर मैं उनको भी साथ साथ गर्म कर रही हूँ, इनकी नमी निकाल रही हूँ। ये थोड़ी देर बाद ये इस तरह से लिक्विड हो गया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट जो हैं वो ऐड कर दूँगी। एक चम्मच देसी घी में मैंने इनको हल्का सा गर्म किया है, और ये मैंने सारे के सारे चॉकलेट के जो मेल्ट हुआ इसके अंदर इसको मैंने डाल दिया। अब मैं स्लो स्लो इसको फिर से चलाती रहूँगी। नीचे से गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, और ये मैंने जो है मेरे सांचे हैं, कोई भी शेप मैं देना चाहूँ तो इनमें मैं डाल दूँगी इसको। मैं ये मेल्ट हो गई है, अब मैं इन सांचों के अंदर इसको डालूँगी। छोटे छोटे बड़े सुंदर चॉकलेट बनेंगे, और इस तरह से मैं, और थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ड्राई होने के बाद शेप प्रॉपर रहती है, उस टुकड़े को हम साइड से तोड़ सकते हैं। तो मैं रफली इसको, क्योंकि हाथ में एक मोबाइल है तो मैं इसको रफली ऐसे डाल रही हूँ। थोड़ा ध्यान से करूँ तो बिल्कुल और एक बूंद भी बाहर ना जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा एक हाथ में मोबाइल इस तरह से मैंने इनमें डाल दिया है। ये चार सांचों में आया मेरा जो जितना था। ये गोल हैं, ये लंबी शेप पे हैं दो। अब इनको ठंडा करके मैंने निकाला है फ्रिज से, फ्रिज में रखा, दो मिनट में ठंडे हो गए, और इनको अब मैं निकाल रही हूँ। ये सुंदर सी शेप इनकी आई है, सिलिकॉन का सांचा है ये, और कुछ भी नहीं टच होता है इसको, लगता नहीं कुछ भी, धोने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से मैं सारे के सारे चॉकलेट्स जो हैं वो निकाल रही हूँ इसमें से। दो मिनट फ्रिज में रखने के बाद मैंने इनको बाहर निकाल लिया इस तरह से। ये सारा खाली हो गया है, और ये सारे चॉकलेट मैंने निकाल लिए। इनको मैं अब सिल्वर फॉइल में रैप कर दूँगी, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए ही रखने हैं। तो नहीं तो अगर किसी को मैं गिफ्ट करना चाहूँ तो फिर मैं गोल्डन पेपर या जो भी चॉकलेट का रैपर जो आते हैं वो भी ले सकती हूँ, पर मेरे को सिंपली घर के लिए हैं तो मैंने सिर्फ सिंपल फॉइल में इसको लपेट दिया है। और इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, गर्मी का मौसम है, क्योंकि विंटर हो तो बाहर भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये मेरे चॉकलेट बन गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।